हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे घर का पूजा था, जो हमारे घर पे सत्यनारायण जी का कथा हुआ था। तो ये उस दिन का वीडियो है। ये आई थिंक ऑलमोस्ट 3-4 डेज हो चुका है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली मुझे टाइम मिला और मैं ये अपलोड करना चाहती थी, बिकॉज आई लव टू शो कि मेरे घर पे पूजा हो रहा है, एंड मैं बहुत हैप्पी थी। तो ये हमारा जो मैंने पहले दिखाया कि वेट वगैरह मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था, क्योंकि घर पे गेस्ट आएंगे। और ये पूजा का शुरुआत में हमारे यहाँ कोलकाता में आलता पैर में पहनना होता है, तो मैंने आलता पहना और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी और ये मुझे रेडी कर रही थी। मैं यहाँ पे साड़ी पहन रही थी, मैं साड़ी पहन सकती थी बट स्टिल आई नीड हेल्प। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आई, तो माँ आई तो मैंने पहले माँ का पैर छुआ। मुझे बहुत हैप्पी हुआ कि मम्मी आई, क्योंकि भगवान से पहले माँ बाप होते हैं। तो जब मम्मी आई तो मुझे बहुत खुशी हुआ। उसके बाद हमारे पूजा स्टार्ट हो गया, पंडित जी भी आ गए। और ये जल छिट रहे हैं कि जब आप शुभ कार्य करते हो तो गंगा जल होते हैं, उन्हें चारों तरफ छिटने पड़ते हैं शुद्ध करने के लिए सब कुछ। तो यहाँ पे पंडित जी पूछ रहे थे कि मेरी ननद किधर है, सिस्टर इन लॉ किधर है। वो गठबंधन होता है भाई और भाभी का, तो मैं इसलिए मेरा देवर को पूछ रही थी कि वो कहाँ है। तो वो बोले कि थोड़ा काम से कहीं गई है, वो थोड़ा देरी में आएगी। तो ये यहाँ पे किरण आ गई और ये बोली कि ठीक है मैं करती हूँ, वो नहीं है। तो पंडित जी बोले कि बस बहन का बेटी और बहन ही होना चाहिए। तो ये फिर ये आई और यहाँ पे वो लोग हंस रहे थे कि इतना देरी से पता रहता, तो ये इसकी सारी बहन है, तो मैं ही कर लेती, क्योंकि ये बांधने से उसमें कुछ पैसा होता है जो हमें जो बांधते हैं हमें उसे देना पड़ता है। तो इसलिए ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बोला। और ये वीडियोस वगैरह जो है मेरे देवर ने शूट किए हैं, वो बहुत अच्छे से वीडियो शूट किए। मुझे इतना अच्छा से शूट करना नहीं आता है वीडियो, मैं जब बाद में देखी तो मुझे बहुत पसंद आया कि आपने इतने अच्छे से शूट किया कि पूरे चीज़ कवर हुए और बहुत अच्छे से दिखे। घर पे बहुत गेस्ट थे तो इसके वजह से हम अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाए, बट जितना हो सका देवर मेरे अच्छे से शूट किए। और बस मुझे शेयर करना था कि क्या है नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है, बस मुझे एक मेरा घर का पूजा पूरा हो गया जब जैसे ही मम्मी का एंट्री हुआ घर पे, क्योंकि मुझे इतना हैप्पी फील हो रहा था कि मुझे लग नहीं रहा था कि कोई चीज़ का कमी है। तो मैं बस हमेशा थैंक्स टू गॉड उस दिन से बोल रही हूँ कि मम्मी आई और घर का पूरा सब कुछ पूरा हो गया। तो यहाँ पे पूजा का शुरुआत हो चुका था और लास्ट में कुछ कुछ वीडियोस है जो मैंने क्लिप जोड़ के यहाँ पे डाला है। तो ये लास्ट का आरती हो रहा है, आरती के बाद पूजा संपन्न होता है। सॉरी अगर कुछ कुछ हिंदी का वर्ड गलत हो गया होगा, क्योंकि मैं इतना डीप हिंदी अभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ में नहीं आते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे हम दोनों आरती कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा पूजा करके, दिल और मन खुश हो गया। उसके बाद मैं हस्बैंड का पैर छू रही थी, मैंने इसका एक रील्स भी बनाया कि मैं इनको जिद करके यहाँ पे खड़े की कि मुझे आपका पैर छूने दो, एंड ही वॉज़ लाइक